जल जीवन मिशन के अंतर्गत दो नई भर्तियां फाइनली आ चुकी हैं। वर्ष 2024 तक ये दोनों भर्तियां हो जाएंगी अप्रैल से पहले पहले, यानी कि अप्रैल 2024 से पहले पहले ये भर्तियां हो जानी हैं। इसमें सरकार ने आदेश भी दे दिए दोनों भर्तियों के, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वो दोनों भर्तियों में कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या अंतर है दोनों भर्तियों में और क्या कैसे होगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं अभी तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सरकार ने जो सबसे पहला आदेश दिया है वो दिया है पानी की टंकियों को लेकर के, क्योंकि अगर आपके ग्राम पंचायत में अभी तक नहीं बना है, वैसे बताइएगा, वैसे हर ग्राम पंचायत में पानी की टंकियाँ फाइनली बन चुकी हैं। हमारे यहाँ अभी तक तो नहीं बनी थी, लेकिन अब बनना शुरू हुई हैं, यानी कि अभी मुश्किल से 20 दिन या एक महीने से शुरू हुआ है बनना, भी बना नहीं है, तब भी बनने में समय लगता है इसको, ठीक है। तो 2-3 महीने में ये बन करके तैयार हो जाएगा, 15-20 दिन हुआ होगा स्टार्ट हुए। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जल पानी की टंकी बन जाएगी तभी जल जीवन मिशन का कार्य शुरू होगा और हर घर जल का कार्य शुरू होगा, क्योंकि और राज्यों में तो शुरू हो गया है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में ये नियम है जल जीवन मिशन का, तो और जगह पर शुरू हो गया है, लेकिन अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम जिले ऐसे हैं जहाँ पर पानी की टंकियाँ बनकर तैयार हो गई हूँ। मैंने पहले भी बताया था, पहले हम जल सखी के बारे में बात करेंगे, फिर जल मित्र के बारे में बात करेंगे, दोनों में क्या अंतर है ये भी बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जल सखी महिला जो है, जल सखी महिला वो वही बन सकती है जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई सदस्य हो। दूसरी चीज़, अब जो पानी की जांच करने के लिए 5-5 महिलाओं की नियुक्ति की गई थी, वो दीदियां में से एक दीदियों को, जो अच्छा बेहतरीन काम की होंगी उन्हीं दीदियों में से एक दीदियों को जल सखी नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त ये भी रहेगी कि अगर वो दीदी काम करना चाहती हैं आगे, तो अगर वो दीदी उसमें से कोई भी दीदी नहीं चाहती है अगर जल सखी बने, तो उस ग्राम पंचायत में से दूसरी दीदी को जो पढ़ी लिखी हो, 10वीं पास हो, उन दीदी को रख लिया जाएगा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल सखी के रूप में। और मेन चीज़, स्वयं सहायता समूह के सदस्य होने चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि जो पानी की जांच करने के लिए 5-5 जल सखियाँ रखी गई थी, उनमें से अगर कोई तैयार होगी तो अच्छी बात है, नहीं तैयार है तो दूसरी महिला को नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और सेकंड चीज़, इसमें 10वीं पास होनी चाहिए, महिला की उम्र जो है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, 35 कम से कम या फिर 40 हो, मतलब कि अगर जैसे नहीं मिलती हैं तो 40 तक चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। 18 से 40 वर्ष तक आयु की महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं, जल सके बन सकती हैं। साथ ही साथ इन्हें 6,000 रुपये महीने का मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अभी मानदेय जो 6,000 की बात चल रही है ना, ये अभी बात चल ही रही है कि 6,000 देना है दीदी को कि नहीं देना है, अभी ये फिक्स नहीं हुआ है कि 6,000 ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, 7,000 भी मिल सकता है, 8,000 भी मिल सकता है, या उससे कम भी मिल सकता है, 3,000, 4,000 या 5,000, ठीक है। क्योंकि अभी ये निर्णय नहीं हो पाया है कि 6,000 ही दिया जाए या इससे ज़्यादा या इससे कम दिया जाए, निर्णय जब आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आवेदन होने लगेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, अभी आवेदन तो हो नहीं रहे हैं क्योंकि टंकियां ही अभी बन रही हैं। तो मतलब कि मानदेय की बात ये तो हो गई, ठीक है, इसमें आपको कमीशन भी मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको बता दें यहाँ पर कि इनको काम क्या करना होगा, इनको घर घर जा कर के पानी के बिल की वसूली करनी होगी, ठीक है। पानी जैसे कि बिजली के बिल की वसूली होती है, वैसे पानी के बिल की वसूली करनी है, क्योंकि हर घर में जब नल लग जाएगा तो हर महीने उनको बिल भरना पड़ेगा, जैसे बिजली का बिल भराता है वैसे पानी का भी बिल भराएगा, ठीक है। एक बिल भराने का उनको शायद 20 रुपये दिया जाएगा या 30 रुपये, जो भी दिया जाए, अभी ये भी क्लियर नहीं हो पाया है, जब जब आगे जानकारी आती रहेगी तो बता। तो ये तो थी जल सखी के बारे में, आपने जान लिया। अब इसमें केवल और केवल जल सखी कौन बन सकता है, महिला बन सकती है वाली, पुरुष नहीं बन सकते। अब बात करेंगे हम जल मित्र के बारे में। जल मित्र की खबर जस्ट अभी अभी ही आई है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको आए, एक महीने या उससे कम ही हुए होंगे, अभी भी ये खबर जल मित्र की आई हुई है, क्योंकि अभी तक जल मित्र की भर्तियाँ नहीं हो रही थी। अब सरकार ने आदेश दिए हुए हैं इनकी ट्रेनिंग कराने के जल मित्रों के, और ये जल मित्र केवल और केवल पुरुष बन सकते हैं, जल सखी महिला केवल बन सकती है और जल मित्र पुरुष बन सकते हैं। अब जल सखी तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए, अब आप सोचेंगे कि जल मित्र किससे जुड़ा होना चाहिए, कुछ भी इसमें मायने नहीं रखता, वो किसी भी विभाग में काम कर रहा है जल मित्र बन सकता है,
ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वारिता की वो नहीं है, लेकिन फिर भी 10वीं पास होना चाहिए, पढ़ लिखा होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए जल मित्र। अब सरकार ने बोला है कि जल मित्रों का चयन कर लिया जाए पहले तो हर गांव से, यानी कि एक ग्राम पंचायत से एक जल मित्र बन सकता है, और जल सखी भी एक ही ग्राम पंचायत से एक जल सखी बन सकती है, यानी कि एक जल सखी एक जल मित्र, एक महिला और एक पुरुष, दो इसमें नियुक्तियां हो रही हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत। इसके पहले भी नियुक्तियाँ हुई हैं, फील्ड टेस्ट किट का प्रशिक्षण महिलाओं ने लिया। इसके बाद जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, इन सभी का लोगों ने प्रशिक्षण लिया, जिसमें 14 ट्रेड थे उसमें ट्रेनिंग लिया है ना, उसमें भी उनको काम मिलेगा युवाओं को, एक ग्राम पंचायत से 14 युवाओं को। लेकिन ये जल मित्र होगा, ये मेन होगा जिसे मानदेय दिया जाएगा, ठीक है, और उन लोग को भी 6,000 मानदेय है, तो इसका कम से कम 7,000 या 8,000 होना ही होना चाहिए जहाँ तक से लगता है ना, क्योंकि जो पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक वगैरह है, इनका तो जब 6,000 मानदेय रखा गया है तो इनका तो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 1,000, 2,000 या 1,500 या 500, कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा ही होगा। और साथ ही साथ बता देना चाहेंगे कि जो पीने का पानी होगा, जैसे कि जो पानी की टंकी जब बन जाएगी उसका रख रखाव, और पाइपलाइन, जैसे कि पाइपलाइन भी बिछेगी है ना, पाइप वगैरह बिछेगी, तो उसकी मरम्मत करवाने का काम, और इससे संबंधित उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि मतलब कि टंकियों की या पाइप जो बिछती हैं उसकी रख रखाव, देख रेख, मरम्मत करवाने का काम, यही सब काम उनको करना पड़ेगा जल मित्रों को, उनको खुद नहीं करना है, करवाना है खाली, ठीक है। तो इसके लिए उनको प्रशिक्षण सरकार दिलवाएगी, और इसके लिए आदेश भी सरकार ने दे दिए हैं कि चयन कर लिया जाए जल्द से जल्द, और उनको प्रशिक्षण भी दिलवा दिया जाए, क्योंकि टंकियां बन रही हैं हर जगह पर, और जल जीवन मिशन का उद्देश्य जो है घर घर में सुरक्षित और मतलब कि निर्मल जल को पहुँचाना है, और लोगों के जीवन को और अधिक बेहतर बनाना है। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जल मित्र में केवल पुरुष पात्र होंगे, लेकिन एक नया मोड़ आ गया है अभी, हमने अभी अभी इसको देखा, आपको हम दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर, देख लीजिए कि नल जल मित्र के रूप में प्रशिक्षण के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के स्थानीय महिला व पुरुष पात्र होंगे, यानी कि जल मित्र जो है महिला भी बन सकती है और पुरुष भी बन सकते हैं, हो सकता है समूह की ही महिला को जल मित्र के रूप में रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वैसे पुरुष ही रखे जाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, इन सभी कामों के लिए महिलाएं ठीक नहीं रहेंगी। वैसे पात्रता के लिए यहाँ पर बताया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक हमने देखा नहीं था, अभी देखा हमने, इस वजह से मैंने आपको बताया, पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं, लेकिन जल सखी केवल महिला बन सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, उसमें पुरुष नहीं हो सकते हैं, इसमें क्योंकि समूह से जुड़ना उसमें आवश्यक है, इस वजह से इसमें पुरुष नहीं हो सकते, जल सखी में जल मित्र महिला और पुरुष दोनों बन सकते हैं। बाकी आपने अंतर शायद समझ लिया होगा कि दोनों के कार्यों में भी अंतर है, उनको बिजली बिल की वसूली करनी है पानी के, और उनको मरम्मत का कार्य करवाना है और देख रेख का काम करवाना है, यही काम उनको करना है जल मित्रों को, और जल सखी का काम आपने जान लिया, जल मित्र का जान लिया, दोनों में अंतर भी जान लिया, मानदेय में भी दोनों के अंतर होगा ही होगा। बाकी यही थी जानकारी, अगर आपको कोई जानकारी नहीं चाहिए तो कमेंट करके बोल सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे, साथ ही साथ इसमें जब आवेदन होने लगेंगे तो हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे आप सभी के लिए, इसलिए बराबर चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा